कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे अनुष्का रावत ब्लॉग। तो दोस्तों हम एकदम ठीक हैं और आज का ब्लॉग हो रहा है मेरे सुबह सुबह के 11 बजने वाले हैं। और अब ये अनुष्का की पैकिंग, मतलब ये अनुष्का की रजाई कल लेके आए हैं। ये वो ले जाएगी कंबल, ये वाला कंबल जो है इसके पापा का है। ये वाला कंबल देख रहे हो ना आप, ये पिल्लो भी रखा है उसने अपने लिए, बॉडी में यही ले जाऊंगी। तो इसको फिलहाल अभी डाल देते धूप में। ये ना दिल्ली इसके पापा का था और हमारे सारे कंबल डबल बेड के। और फिलहाल उसकी पैकिंग हो गई है, 4-5 दिन से हम उसकी ही तैयारी कर रहे थे अनुष्का की पैकिंग की, मतलब शॉपिंग। अनुष्का का सारा ये है, उसके सारे कपड़े, इसमें उसकी स्टेशनरी का सामान, इसमें शूज, और इसमें ना इसके खाने पीने का सामान भी है कल लेके आए ऋषिकेश से, इसमें सारे उसके बुक्स। फिलहाल कुछ तो उसने यहीं छोड़ रखे हैं। और अपनी दुकान से बहुत सारा सामान रखना है, वो हम शाम को रखेंगे। पहले फिलहाल इसको डाल देते हैं धूप में। और बहुत थकान लग गई आजकल, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा। अभी अभी मैंने पोछा लगाया है, अभी ब्रोनी को रोटी भी देना है और 11 बज गए हैं सुबह से। मतलब इतनी थकान, घर का काम और इतनी तेज़ धूप है। देखो इधर से पौधे। अब ये मेरे भाई मेरे निकल जाते हैं कि बड़े हाँ अनुष्का बढ़िया ढंग से कर भाई। अनुष्का का बक्सा है वो, मैं कल खुद ही काट लेती हूँ, पेंट करना अपना नाम लिख देना। हाँ इस पे मार्कर से अपना नाम सब कुछ लिख देना। अपनी बक्से में पेंट कर का समझदार हो गई मेरे अनुष्का। वो तो कह रहे इसमें भी कलर करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे अनुष्का रावत ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, हम एकदम बढ़िया हैं सब के सब। और टाइम हो रहा है सुबह 9:30, हाँ 9:30 ही हो रहे हैं। आप समझ सकते हो मेरे दिल में क्या गुजर रही होगी, पर मैं उसके सामने इमोशनल बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और सारी पैकिंग हो गई है मेरी, और आजकल मैं इतनी बिजी थी एक महीने से, मतलब फुर्सत ही नहीं थी। देख सकते हो आप कैसे हो रखा मेरी हालत, बच्चों के साथ इधर उधर भागना, हॉस्टल के चक्कर, हॉस्पिटल के, तहसीलदार के सारे कागज़ तैयार करना। तो दोस्तों पैकिंग उसकी सारी हो गई है। और सबसे मतलब अच्छी बात यह है कि पहले मैं गाड़ी बुक करी थी, फिर मैंने मामा को फ़ोन किया, मामा ने बोला मैं गाड़ी लेके जाऊँगा। तो मामा आ रहे हैं, हमारी अपनी गाड़ी जा रही है और ड्राइवर भेज रखा है मामा जी ने, तो मामा जी का दिल से थैंक यू। और दिखाती हूँ मैं भी आपको। तो फिलहाल नाश्ता करके चाय पी रही हूँ। और यहाँ पे ये रेडी हो रखी है गब्बू। गब्बू कहाँ जा रही है? हैं नो दे किसके ये बता, कितनी खुश है अनुष्का, जा रही है कि दुखी है? ठीक ठाक, ठीक ठाक। दुख नहीं हो रहा यार, मेरी बहन जा रही है, मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। दुख है तो हजार फ्रेंड्स है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, अभी थोड़ा चाय पी रहे हैं, उसके बाद पैकिंग हो गई है, गाड़ी में रखना है, तब निकलते हैं हम। 9:30 हो गए टाइम। ये है अनुष्का रेडी हो गया। अनुष्का कैसे फील हो रहा है? ब्रोनी बाय बाय बाय, हम भी जा रहे हैं, तो रोटी खा लेना है। अरे रखी है, रखी है भाई, रखी है, बाय बाय।
अनुष्का का हॉस्टल। लास्ट टाइम अनुष्का के साथ है। अनुष्का अब आएंगे हम मिलने। अनुष्का अब आएंगे लास्ट टाइम। अब अनुष्का हॉस्टल में रहेगी। इधर देख अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा ही लगना चाहिए। कब मार खाएगी जरा। कब मस्ती। कपड़े फेंक रखे ना धो के, पता ही नहीं है कि कहाँ गिरा। ऐसा मत करना, इस हाथ के धो ना और ज्यादा गंदा का खेल। गब्बू कैसा लग रहा है दीदी के बिना? तो हम वापस आ गए हैं अनुष्का को छोड़ के। वहाँ पे बहुत बेकार लग रहा था। कैसे लग रहा है अनुष्का के बिना? फिर को कैसे लगा? ऐसे है रात को लगेगा बेकार। और ये यहाँ पे अभी हम पेट्रोल डलवा रहे हैं भैया। बारिश भी हो रही है आज सुबह से, बहुत तेज बारिश लगी हुई है। आते समय तो इतनी तेज थी कि हेलो दोस्तों, तो हम देहरादून से वापस आ गए हैं अनुष्का को छोड़ के। बहुत बेकार लग रहा था और मैं वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। और दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ।